अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आपके साथ KFC चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको घर पे किस तरह बनाते हैं आज इस वीडियो में हम ये बनाना सीखेंगे। तो KFC चिकन बनाने के लिए सबसे पहले चिकन लेंगे, चिकन लेग पीस लिए हैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा, और इसमें जो चिकन के बड़े बड़े पीसेस होते हैं बोन वाले वो लिए हैं। ये टोटल जो है 1 से 1.5 किलो जितना चिकन है। ये चिकन के जो लेग पीस है उसको लेके हम पहले इसमें अच्छा सा एक कट लगा लेंगे बड़े जैसा, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। इसको पहले वॉश कर लेंगे, वॉश करके इसके अच्छा इसका जितना भी पानी है वो ड्रेन आउट कर लेंगे। ड्रेन करने से जो है बाद में मैरिनेशन के बाद जब इसको फ्राई करेंगे तो पानी ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो अच्छी तरह से ड्रेन कर ले पानी को। अब इसमें जो है कट लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये कट लगाने से मैरिनेट अच्छी तरह से होता है और मसाले पूरे इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं। तो आइए अब इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली सॉस 2 बड़े चम्मच। ये सॉस डालने से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही इसमें डालेंगे ग्रीन चिली सॉस 1.5 चम्मच, सोया सॉस डालेंगे 2 चम्मच, लेमन जूस डालेंगे 2 चम्मच, ये 1 नींबू का रस है, और काले मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे दही, 4 बड़े चम्मच दही डाला है मैंने यहाँ पे। दही को थोड़ा सा फेंट के लेंगे। अब इसमें चिकन के जो लेग पीस हैं वो डालेंगे और उसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसी तरह मैंने सारे लेग पीस को ये मसाले को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, जितना मैरिनेट करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब इसकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैदा लेंगे 1 कप, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, नमक डालेंगे 1/4 चम्मच, नमक हमने पहले भी 1.5 चम्मच इस्तेमाल किया है, ब्लैक पेपर डालेंगे 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और चिकन मसाला पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैरिनेट किए हुए चिकन को फ्रिज से निकाल लेंगे। अब इसको यहाँ पे इसमें डाल के अच्छी तरह से इन मसालों को इस पर कोट कर लेंगे। ये देखिए ये इसका करेक्ट मेथड है। अगर आप KFC चिकन बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल उसी स्टाइल में, तो आप उसको इस तरह से बनाएं। तो ये देखिए ये इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाउल में पानी लेंगे। अब उसमें चिकन के लेग पीस को डिप करेंगे, अच्छी तरह से इसको डिप करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए ये जो पाउडर जितना भी ये है मैदा वगैरह, ये इस पर अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसको फिर से वापस उसी में उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो ये चिकन पे इसकी अच्छी खासी कोटिंग हो जाएगी और ये बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे कि KFC में होता है। अब इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे पहले। तो इसको जो है मीडियम फ्लेम पे रखते हुए ही 1 या 2 पीस डाल के हमको फ्राई करना है। ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना जो है तेल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। 5 से 10 मिनट तक के लिए पहले इसको डिस्टर्ब ना करें, इसके बाद इसको हल्के से टर्न कर लें। टर्न करेंगे
इसको मीडियम फ्लेम पे आपको अच्छी तरह से डीप फ्राई करना है, ना कि हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो सिर्फ ऊपर की कोटिंग जो है इसकी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी, अंदर कच्चा रहेगा। आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ये परफेक्टली अंदर तक कुक हो जाएगा चिकन, ये क्योंकि यहाँ पे लेग पीस का इस्तेमाल किया है ना, तो इसको अच्छी तरह से हमको फ्राई करना है, वरना अगर ये कच्चा रहेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, ये इसका कलर जो है चेंज हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके मसाला इस पर पूरी तरह से कोट हो चुका है, बिल्कुल मसाला जो है अलग नहीं हुआ है। तो ये बन गए हमारे KFC स्टाइल चिकन लेग पीस। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।